हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इट लोगोस माइंड। सुबह सुबह आसपास बहुत चिड़िया का आवाज़ है, बहुत फ्रेश एयर है, बहुत अच्छा लगता है, नज़ारा बहुत सुंदर है। और मेरे चाय। चलिए अब आपसे बात करते हैं थोड़ा। मैं बना रही हूँ अभी चना का सब्जी। इंडक्शन जला के प्रेशर कुकर ऑन करके मैंने थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, और फिर अभी इसमें आप देख सकते हो छोला है, आलू है, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा प्याज कट के रेडी हो गया है। ये सब रेडी हो गए हैं, अभी हम फटाफट इसको पीसेस करके डाल देंगे। मैं बना रही हूँ अभी चना का सब्जी। इंडक्शन जला के प्रेशर कुकर ऑन करके मैंने थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, और फिर अभी इसमें आप देख सकते हो छोला है, आलू है, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा प्याज कट के रेडी हो गया है। ये सब रेडी हो गए हैं, अभी हम फटाफट इसको पीसेस करके डाल देंगे। ये डायरेक्ट बन जाएगा इसका सब्जी, मैं एक साथ बना लूंगी, कोई कढ़ाई का झंझट नहीं है, प्रेशर में ही शॉर्टकट में बना लेंगे। टेस्टी बनता है, अच्छा लगता है, आप भी बना के देखिए कभी, बहुत बढ़िया बनता है। रिच इन आयरन, इसमें भरपूर आयरन रहता है। रोटी सब्जी, रोटी पराठा के साथ इसका सब्जी बहुत बढ़िया लगता है, कभी बना के देखिए, झटपट प्रेशर में बन जाएगा। मेरा सीम में है, धीमी आंच में बना रहे हैं, और जब ये थोड़ा फ्राई फ्राई हो जाएगा मसाला में, तब इसमें तेल सॉरी इसमें डाल देंगे पानी, तब इसका आँच बढ़ा देंगे। अगर आपके घर में तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप चाहो तो ये लाल मिर्ची उठा के रख सकते हो, क्योंकि इसका जो छौंक का फ्राई का जो खुशबू हो तो है ही अंदर, पर प्रेशर डालने से ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाद में डालूंगी। और इसमें पानी डाल दूंगी। आपको जितना रसा पसंद है उस हिसाब से आप पानी डालिए, और इसका प्रेशर के ढक्कन मैं इसमें डाल दूंगी। प्रेशर के ढक्कन डाल दी हूँ, और फिर इसका टेम्परेचर भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, ताकि ये फट से सीटी बन जाएगा 2 मिनट में, और उसके बाद ये बन के तैयार। मैं डालूंगी 2 बूंद तेल। मैं मैगी सिंपल नहीं बनाती हूँ, थोड़ा मसाला के साथ बनाती हूँ। देखिए मैं कैसे मैगी बनाती हूँ। मेरा गैस थोड़ा धीमे है, सब्जी बन रहा है, प्रेशर का आवाज आपको सुनाई दे रहा है। यहाँ मैं फटाफट थोड़ा सा एक प्याज डाल दी हूँ, और
थोड़ा सा गाजर डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का इससे अच्छा मौका आपको और नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा कैप्सिकम, शिमला मिर्च थोड़ा सा डालें, क्योंकि छोटा मैगी खाना है इसको। थोड़ा नमक, हल्दी और थोड़ा सा फ्राई होंगे, उसके बाद हम मैगी डाल देंगे इसके अंदर। मैगी मसाला चार सीटी हो गया है, मुझे लगता है मेरा सब्जी बन गया है। 3 या 4 सीटी में ये बन जाता है। मैगी डाल दी हूँ मैं, आप इसका मसाला भी डाल दूंगी। अब थोड़ा सा पानी, मैगी थोड़ा सा कम डालती हूँ, डालती हूँ ज्यादा सब्जी, ताकि ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा जाए स्टमक में, मैगी कम। अब मैं इसको ऑन कर सकती हूँ। और मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा केचप। ये है सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस डालती हूँ। और थोड़ा सा केचप डालूंगी, मैगी केचप, उससे क्या होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि मैं कभी कभी मैगी बनाती हूँ, मैं ये सब फास्ट फूड कम बनाती हूँ, तो ये बहुत ही यम्मी टेस्ट हो जाता है। अब ये मैगी बन गए हैं, अब मैं इसको प्लेस करूंगी इस प्लेट के अंदर। बच्चे एक चीज मैं बोलूंगी, हर किसी को प्रेजिंग का जरूरत है। जैसे मैंने अपने बेटी के लिए ये मैगी बना रही हूँ, आपके मम्मी भी आपके लिए बनाते हैं। सबको मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसे तो मुझे काम करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, पर अगर मेरे काम में कोई तारीफ कर दे, प्रेज कर दे, वाह बढ़िया, तब और ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपके मम्मी भी कभी कुछ खाना दे आपको, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कुछ भी मिल, तो आप भी उसको प्रेज करो, हाँ मम्मी बहुत बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी बना है। जो कमियां हो वो भी अच्छे से बोलना। अभी मैं थोड़ा अपने लिए चाय भी बनाऊंगी। ये मेरा मैगी बन गया है और साथ में मैंने चाय चढ़ा दिए है। अब चाय बनेगा। चाय में सबसे मेन है अदरक, अदरक चाहिए और अदरक जब तक बॉयल होगा फिर चाय पत्ती और चीनी आपके हिसाब से बन जाएगा चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट लोगोस माइंड। दिवाली आ गए हैं बस, और 2-3 दिन में दिवाली आ जाएगा।
दिवाली मतलब बहुत सारा काम और बहुत सारा गिफ्ट और बहुत सारा लाइट। दिन भर साफ सफाई काम करो और बीच में ये सब खुशियां देते हैं कुछ गिफ्ट्स। गिफ्ट मतलब कोई गिफ्ट नहीं दिए, हम खुद अपना गिफ्ट खुद को खुश करने के लिए खुद ही ऑनलाइन बुक किए हैं। आजकल शॉपिंग बाहर जाके करने से अच्छा है फोन में क्लिक करो और ऑनलाइन मंगवा लो। ये फ्लिपकार्ट से मैं कुछ सामान मंगवाया है, एक के बाद एक बॉक्स आएंगे और आपके सामने खोलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। पता है भुवनेश्वर के पूरे ट्रिप से मैं क्या क्या खरीदी? मेरे लाइटर खराब हो गए थे तो मैंने ये लाइटर खरीदी और एक छन्नी खरीदी और एक नींबू के शरबत बनाने वाला खरीदी। इतने बड़े ट्रिप से बस इतना ही खरीदे क्योंकि मेरे को इतना का ही ज़रूरत था, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। इसलिए जितने ज़रूरत के सामान उतना ही खरीदो, बेकार में स्टोर करके क्या फ़ायदा।